नमस्कार आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पेश है उन्नीस मई गुरुवार शाम सवा बजे राजस्थान की बड़ी खबरें दो महीने बाद उदयपुर से जयपुर के बीच फ्लाइट शुरू होने के आदेश आ गए हैं इसके साथ ही अब उदयपुर से कोलकाता की भी कनेक्टिविटी हो जाएगी समर शेड्यूल से कोलकाता और जयपुर दोनों जगहों के लिए फ्लाइट निरस्त कर दी गई थी मगर अब एक जून से एक बार फिर दोनों शहरों से उदयपुर की कनेक्टिविटी हो जाएगी हालांकि कोलकाता के लिए यह फ्लाइट डायरेक्ट नहीं होगी इस फ्लाइट का ले जयपुर होगा मारपीट के मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने गुरुवार को शक्ति प्रदर्शन किया उन्होंने अस्पताल से जगदीश तिराहे तक रोड शो निकाला जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी मलिंगा की कोरोना की जांच बुधवार को नेगेटिव आने के बाद बाड़ी विधायक को लेने बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंच गए इसके बाद विधायक मलिंगा ने अस्पताल से लेकर जगदीश तिराहे तक रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया इससे शहर में जाम के हालात बने रहे हनुमानगढ़ जिले की एनटीआर वितरिका में आठ से पंद्रह मई तक नोहर नहरी क्षेत्र के लिए पेयजल के लिए पानी छोड़ा गया पानी चोरी कर सिंचाई करने के आरोप में छह जिनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है सिंचाई निर्माण उपखंड भाद्रा कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता अमर सिंह जाट ने पुलिस को बताया कि जल संसाधन विभाग भादरा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नोहर भादरा व सिंचाई थाना नोहर की टीमें गश्त कर रही थी उन्होंने मोघा खोलकर पानी चोरी करने की घटनाएं पकड़ी इसके बाद आरोपी किसानों के खिलाफ नोहर के सिंचाई पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया कोरोना के कारण साल से बंद पड़ी पहले सोन व्हील्स ट्रेन को राजस्थान पर्यटन निगम आर इसी साल सितम्बर अक्टूबर से चलाने की तैयारी कर रहा है आर ने इस बार इस ट्रेन के संचालन निजी सहभागिता से पीपीपी मोड पर कार्य करने का निर्णय किया है कोरोना काल से पहले तक इस ट्रेन को रेलवे के साथ पार्टनरशिप करके चलाया जाता था इस शाही रेल को पीपीपी मोड पर चलाने पर चर्चा के लिए आज होने वाले आर की बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव भी रखा जाएगा बाडमेर जिले के बालोतरा उपखंड को जिला बनाने के लिए 23 मई तक प्रस्ताव लिए जाएंगे बालोतरा के लोग इसके लिए जुड़ जाएं तो इस बार बालोतरा के लोगों को जिले की सौगात मिल सकती है बालोतरा के हर गांव ढाणी में सामाजिक व्यापारिक राजनीतिक कर्मचारी और कई संगठनों के लोग जुड़े हुए हैं इन्हें अपने लेटर हेड पर बालोतरा को जिला बनाने की मांग का ज्ञापन तथ्यों सहित प्रशासन को देना होगा जो लोग ज्ञापन नहीं दे सकते वे व्यक्तिगत स्तर पर जिला कलेक्टर को पोस्ट कार्ड भेजे जा सकते हैं परंतु यह काम 23 मई तक हर हाल में करना है भरतपुर जिले के डीग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सेवानिवृत्त पटवारी की पेंशन वृद्धि के केस में पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते तहसीलदार व दलाल को पकड़ा है एसीबी के एडिशनल एसपी महेश मीणा के अनुसार परिवादी सेवा निवृत पटवारी डी निवासी मुरारीलाल शर्मा चौहत्तर ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी अठारह मई को आरोपी तहसीलदार अशोक कुमार शाह ने परिवादी मुरारी लाल को रिश्वत राशि प्राइवेट व्यक्ति कृष्ण कुमार को देने के लिए कहा कृष्ण कुमार दलाल ने डीग तहसील के सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रकाश सिंह को उक्त राशि देने का कह दिया आरोपी प्रकाश सिंह रिश्वत के रूप में पांच हजार रूपए लेकर अपनी शर्ट की जेब में रख लिए सीआईडी सीबी ने दो सांसद और एक विधायक सहित दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ चलान पेश करने के आदेश जारी कर दिए हैं यह है मामला वर्ष 2019 में उन्नीस में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने राज कार्य में बाधा सरकारी और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पुलिस कर्मियों पर पथराव करने का है सीआईडी सीबी के एसपी शरद चौधरी ने राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा सांसद हनुमान बेनीवाल और विधायक गोपीचंद मीणा सहित दो दर्जन लोगों को दोषी माना है उन्होंने पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर को चलान पेश करने के आदेश दिए हैं। अब जांच अधिकारी को पंद्रह दिन में चलान पेश कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजनी होगी राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शिक्षक के छियालीस हजार पाँच सौ पदों पर अगले साल जनवरी में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा इसकी घोषणा गुरुवार सुबह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने की है बोर्ड के अध्यक्ष हरि प्रसाद शर्मा ने बताया कि छियालीस हजार पांच सौ पदों के लिए पत्राता परीक्षा जुलाई में आयोजित की जाएगी इसका रिजल्ट जारी होने के बाद अगले साल जनवरी में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा गहलोत सरकार प्रदेश की एक करोड़ तैतीस लाख महिलाओं को पिछहत्तर सौ करोड़ के स्मार्टफोन देने की तैयारी कर रही है सरकार ने एक करोड़ तैतीस लाख मोबाइल हैंडसेट तीन साल तक फ्री 4G इंटरनेट के साथ सप्लाई करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है स्मार्टफोन करीब पांच हजार छह सौ उनतालीस की कीमत का होगा गहलोत सरकार की चौथी साल से महिलाओं को मोबाइल हैंडसेट बांटना शुरू हो जाएंगे सरकार की इमरजेंसी राजम्प ने दो दिन पहले ही टेंडर जारी किया है आमजन को महंगाई से राहत कहीं नहीं मिल रही है तेल गैस कंपनियों ने आज घरेलू और कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की है पिछले 12 दिन के अंदर दूसरी बार कंपनियों ने गैस की कीमतें बढ़ाई है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिके गौड ने बताया कि कंपनियों ने आज घरेलू गैस सिलेंडर पर तीन रुपए की बढ़ोतरी की है इसके बाद आज से जयपुर में 14 किलो 200 ग्राम का घरेलू सिलेंडर एक हजार छह पैसे में मिलेगा जबकि 19 किलोग्राम को कमर्शियल गैस सिलेंडर पर आठ रूपए पचास पैसे की बढ़ोतरी से दो हजार का हो गया है गहलोत सरकार ने पीटीआई भर्ती में सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन तीनों तरह की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने का फैसला किया है इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान एजुकेशनल सर्विस रूल्स 2021 में संशोधन की मंजूरी दे दी है इसके साथ ही कैबिनेट ने एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 80 फीसदी पद पदोन्नति से भरने का फैसला लिया है अभी 50 फीसदी सीधी भर्ती और 50 फीसदी पद प्रमोशन से भरे जाते हैं बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के मामले में कई उपभोक्ताओं ने लंबे समय तक राशि जमा नहीं करवाई है डिस्कोम अब ऐसे मामलों का निस्तारण करने जा रहा है इसके लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की है जिसमें कुछ छूट उपभोक्ता को दी जाएगी इससे उपभोक्ता को फायदा होगा और लंबित मामलों का भी निस्तारण होगा जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक प्रमोद टाक ने बताया कि यह योजना 31 दिसंबर तक भरे गए सतर्कता जांच प्रतिवेदनों पर 1 अप्रैल से लागू हो गई है जोधपुर का प्रसिद्ध बरकतुल्लाह खान स्टेडियम अब सच धज कर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी करने को तैयार हो रहा है स्टेडियम के विकास कार्य अंतिम चरण में चल रहे हैं दो एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी कर चुके इस स्टेडियम का करीब 35 करोड़ की लागत से काया प्लट हो चुका है अगले दस दिन में इसके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत की मांग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो किश्त में इस स्टेडियम के विकास को बजट जारी किया था राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं पदोन्नति प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमैन राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने केंद्र सरकार से गेहूं के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने की मांग की है उन्होंने कहा है कि निर्यात चालू होने से किसानों की उपज के भाव बढ़ रहे थे लेकिन पिछले दो तीन दिनों से केंद्र सरकार द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध लगाते ही किसानों की उपज के दाम वापस कम होने लगे हैं इससे किसान दुखी और परेशान है वे चित्तौड़गढ़ में संबोधित कर रहे थे केरल में मूसलाधार बारिश के चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने बृहस्पतिवार को 12 जिलों में पूरे दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है आईएमडी ने बृहस्पतिवार को तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर केरल के शेष सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एस ने कहा है कि उत्तरी तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण की वजह से इस दक्षिणी राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ एस न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें